अर्ली पेशवास की बात करें तो मोरोपन त्रिंबक पिंगले, मोरेश्वर पिंगले, पंतमात्या भागरोजी पिंगले और त्रिंबक कुलकर्णी आते हैं। और इनके बाद जो पेशवास बने थे वो भट्ट फैमिली से थे, जिसमें सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ आते हैं जो कि 1713 से 1720 तक पेशवा बने थे। इनके बाद आते हैं बाजीराव जिन्होंने 1720 से 1740 तक राज करा था। माना जाता है कि बाजीराव ने 41 बैटल लड़े थे जिसमें से वो एक भी नहीं हारे थे। फिर इसके बाद इनके बेटे बालाजी बाजीराव जो कि नाना साहिब के नाम से भी जाने जाते थे, उन्होंने 1740 से 1761 तक पेशवा बने थे। इनके बाद माधव राव 1761 से 1772 तक, फिर नारायण राव 1773 और रघुनाथ नाव 1774 तक पेशवा बने, फिर माधव राव सेकंड 1774 से 1796 तक, फिर बाजीराव सेकंड ने 1802 तक पेशवा की गद्दी संभाली। इनके बाद 1803 तक अमृत राव और फिर 1803 से 1818 तक बाजीराव सेकंड फिर से पेशवा बन गए थे। बाजीराव सेकंड 1818 में ब्रिटिश के सामने झुक गए थे। फिर उसके बाद कई सालों तक कोई पेशवा नहीं बना, लेकिन फिर 1851 में नाना साहिब जो कि पेशवा की पोजीशन के प्रिटेंडर थे, उन्होंने 1857 तक पेशवा की गद्दी संभाली।